18वीं शताब्दी में एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चेनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार करते थे। बुखारा एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बैग व्यापार करने के उद्देश्य से पंजाब आया था और गुजरात, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, में रुका था। वहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बैग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बैग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बैग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था और तभी से कुछ समय बाद वह माहिवाल के नाम से जाना जाने लगा। सोहनी और माहिवाल का प्यार कुम्हार समुदाय में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरी समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उनके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठाकर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास की चेनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलने आते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैर कर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब माहिवाल ने अपनी जांघ का एक ही टुकड़ा काटकर उसे भुना था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, लेकिन सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि माहिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उनकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उनका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह बात माहिवाल को बताने के बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाले मटके के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से माहिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए माहिवाल भी पानी में कूद गए थे और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए। इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में भी देखने को मिलता है, जहां माना गया कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखती थी और इंडस नदी के पश्चिम तट पर रहती थी। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के सहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और माहिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सहदपुर में साफपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी माहिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा, लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेम युगल पर भी कविताएं बनाई हैं। सोहनी माहिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मैनू यार मिला गधेया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी माहिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उनकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी माहिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही और कहानियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।